गाइस आज की वीडियो में एक मोस्ट पावरफुल आरसी कार मैंने खरीदा है। इसको बोलते हैं एटलस 4x4 आरसी कार। ये कार इतनी ज्यादा पावरफुल है कि यार दूसरी कंट्रीज में ये कार को खरीदने के लिए लोग लाइन में लगते हैं। भाई ये कार मिलती नहीं है किसी को भी। मैंने एक महीना वेट करने के बाद ये कार मिली है गाइस। आज इसकी खतरनाक तरीके से करेंगे टेस्टिंग और बहुत सारी कार्स के साथ इसकी फाइट भी कराएंगे। ये कार थार 4x4 के प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, यानी कि उसकी ही चैसिस लेकर ये कार को बनाया गया। आज देखते हैं ये कार भी थार के जैसे ही चल पाएगी या फिर नहीं। इसके साथ मैं आज बहुत ही यूनिक आरसी कार्स खरीद के लेके आया हूं फाइट कराने के लिए। जैसे कि ये है एल्टोरो आरसी कार, इसका साइज देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है। ये है टाइफून आरसी कार, ये कार बहुत फास्ट चल सकती है। ये है मॉन्स्टर ऑफ रोडर 6-व्हील ड्राइव आरसी कार, इसका भी साइज देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है। इसके अंदर 6 बड़े बड़े व्हील्स लगे हैं और 6 के 6 व्हील्स के अंदर एक एक मोटर भी दी गई है। तो सबसे पहले एटलस 4x4 को अनबॉक्स करते हैं। ये कार का प्राइस है 50,000 रुपए गाइस। अगर आप खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसे खरीद सकते हो। इसके मेन फीचर्स एक बार मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखो इसका नाम दिया गया एटलस 4x4 बोलकर, यहां पे इसके मेन फीचर्स दी गई है। इसको मैंने रॉक हॉबी की तरफ से खरीदा है। चलो गाइस बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से बॉक्स को यहां से मैं ओपन कर लेता हूं। आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। ये कार के अंदर बहुत कलर्स मिलते हैं, जैसे कि ये कलर है और ये कलर है। मैंने जो खरीदा है येलो वाला कलर खरीदा है गाइस। बॉक्स को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर भी देखो इस तरह का हार्ड बॉक्स मिलता है, जैसे कि अपने को थार के अंदर मिला था। ये ऐसे निकलेगा नहीं, इसको ऐसे खोलना पड़ता है गाइस। अरे निकल जा। ये देख लो गाइस खुल चुका है अपना बॉक्स और यहाँ पे है हार्ड बॉक्स। ये बॉक्स के ऊपर आप बैठ भी सकते हो गाइस, इस तरीके से देखो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं है, इतना ज्यादा मजबूत बॉक्स दिया गया है। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इसके क्लिप्स है, ये ओपन हो चुका है बॉक्स। ओ भाई साहब कार देखो यार कितनी ज्यादा बढ़िया। मैंने नहीं सोचा था कि यार ये थार से भी ज्यादा बड़ी लग रही है। ये है इसकी यूजर गाइड, यहाँ पे कुछ स्टिकर्स वगैरह दिए गए हैं। ओके कार को निकालते हैं यहाँ से। एक बार मैं इसका साइज आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यार कितनी ज्यादा बड़े साइज की है और दिखने में भाई एक ट्रक जैसी दिखाई दे रही है। इसका लुक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इसको रख देते हैं यहाँ पे। इसके साथ और क्या क्या चीजें मिली है बता देता हूँ। एक्चुअली ये बैटरी इसके साथ मिलती नहीं है, ये मैंने अलग से खरीद की। ये 3300 mAh की 3-cell लाइपो बैटरी। यहाँ पे है इसका रिमोट कंट्रोलर, थार जैसा ही रिमोट इसके अंदर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो बटन है, यहाँ पे एक बटन है, ये इसकी स्टीयरिंग है। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं कार को ऑफ रोडिंग कराने के लिए। देखो इतने ढेर सारे बटन दिए गए हैं। तो अभी ये कार मैं आपको दिखाने वाला हूँ एकदम डिटेल में। सामने से स्टार्ट करते हैं। सामने एक बहुत बड़े साइज का बम्पर है, यहाँ पे इसकी नंबर प्लेट भी दी गई है। यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है ना गाइस, ये कम्प्लीटली मेटल का दिया गया है। सामने ग्रिल है, यहाँ पे 2 हेडलाइट्स है, क्लासिक हेडलाइट्स इसके अंदर लगाई गई है। और इसका मडगार्ड देखो यार इतना ज्यादा बड़ा दिया गया है। इसके अंदर मेरे को सबसे खतरनाक चीज इसकी लग रही है, इसके व्हील्स कम्प्लीट ऑफ रोड वाले व्हील्स इसके अंदर दिए गए हैं। अलॉय का भी डिजाइन काफी तगड़ा है भाई साहब, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही तगड़ा वाला सस्पेंशन दिया गया है, क्योंकि ऑफ रोड आरसी कार है। फुट स्टेप भी दिया गया है, डोर्स इसके ओपन नहीं होते हैं, डोर हैंडल्स कंप्लीटली मेटल के दिए गए हैं, साइड मिरर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। लुक वाइज एकदम तगड़ी लग रही है भाई। यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट है, इस तरफ भी इसका एग्जॉस्ट है, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, इस तरफ भी एक फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है, पीछे की तरफ एक्स्ट्रा व्हील दिया गया है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे एक हुक देखने को मिलता है, पीछे एक बड़ा सा ट्रेलर अटैच करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अंदर एक ट्रेलर भी अटैच करके आपको बताने वाला हूँ। पीछे टेल लाइट है और ये प्रॉपर तरीके से काम भी करती है। की चैसिस कम्प्लीटली मेटल की बनी हुई है। पीछे का सस्पेंशन भी आप देख सकते हो, काफी स्मूथ सस्पेंशन दिया गया है। ऊपर की तरफ देखो इस तरह के वाइपर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इसका एयर इनटेक दिया गया है। नीचे की तरफ से भी दिखा देता हूँ कि ये जो डॉग बोन से कम्प्लीटली मेटल के बने हुए हैं। यहाँ पे शाफ्ट है, ये कार कम्प्लीटली 4x4 होने वाली है। तो गाइस आज तक मैंने बहुत सारी ऑफ रोडर आरसी कार्स देखी है, पर इससे ज्यादा बेस्ट मैंने आज तक नहीं देखी है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड मेरे को लग रही है। सभी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है, अब कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट। देखें गाइस आज की फाइट में ये कार को कौन सी कार हरा पाती है, ये भी पता चलेगा कि ये कार कितनी ज्यादा पावरफुल है। चलो गाइस लेट्स गो। ओके सबसे पहले एटलस 4x4 मड ट्रक को मैं चला के देखने वाला हूँ। चलाने में तो ये बहुत ज्यादा इजी मेरे को लग रहा है। अब मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं कोई भारी भरकम ट्रक को चला रहा हूँ, क्योंकि इसका लुक सामने से पूरा का पूरा एक लॉरी होती है ना यार, उसी तरह का दिया गया है। अब इसके साथ थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी करके देखते हैं। ये बहुत ज्यादा भारी भरकम होने के कारण झाड़ियों को रौंदता हुआ जा रहा है। यहाँ पे भी देखो इतनी ऊंची ऊंची घास है, फिर भी भाई साहब ये एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। इसको चला के मेरे को तो एकदम मजा सा ही आ गया है। आगे देखना और एक बड़ी
पहाड़ी आने वाली है, इसके ऊपर से चढ़ा के देखते हैं ये चढ़ पाता है या नहीं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा अटकने की कोशिश कर रहा था, अब ऐसा लग रहा था कि ये एक साइड लुढ़क जाएगा पर लुढ़कता नहीं है गाइस, इसकी बैलेंसिंग बहुत ही कमाल की दी गई है। यहाँ तक मैंने इसको चढ़ा दिया है, और भी खतरनाक वाली टेस्टिंग करने के लिए इसको मैं एक मिट्टी के पहाड़ के पास लेके आ चुका हूँ। ये मिट्टी का पहाड़ काफी ज्यादा ऊंचा यार, और इसकी क्लाइंबिंग भी देखो बहुत खतरनाक है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे सिर्फ ट्रैक्सेस का हाई ट्रेल ट्रक चढ़ पाया था। ये कार भी बहुत आराम से यहाँ तक चढ़ चुकी है, मेरे को नहीं लगा था कि गाइस ये यहाँ तक भी चढ़ पाएगी। तो अपनी कार देखो गाइस यहाँ तक चढ़ चुकी है, मैं भी सिर्फ यहीं तक ही चढ़ पाऊंगा यार, क्योंकि देख लो बहुत ज्यादा स्टीप क्लाइंबिंग है यहाँ पे। जमीन आसमान का फर्क है, फिर भी यार ये ट्रक यहाँ तक पहुँच चुका है। अब देखते हैं टाइफून आरसी कार यहाँ पे क्लाइम कर पाएगी या फिर नहीं। ओ भाई साहब, ये तो लुढ़कती हुई नीचे आ चुकी है, क्योंकि इसको बिल्कुल भी यहाँ पे ग्रिप नहीं मिल पा रही है। अब देखते हैं क्या एल टोरो आरसी कार इतनी ऊपर चढ़ाई कर पाएगी या फिर नहीं। ये तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ पा रही है गाइस, देखो इसके व्हील स्लिप हो रहे हैं गाइस, इसके देखो सिर्फ ये टू व्हील ड्राइव होने के कारण ये इस तरह से रुक रही है, बिल्कुल भी आगे मूव नहीं कर पा रही है। अब ये मट ट्रक है तो इसको कीचड़ में तो चलाना ही पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अब ये लुढ़क जाएगा, पर गाइस ये बिल्कुल भी लुढ़कता नहीं है, ना तो इसका बैलेंस खराब होता है। देखो यहाँ पे भी ऐसे ही लग रहा था, पर ये अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर चुका है। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दलदल जैसा कीचड़ है, फिर भी अपना मट ट्रक देखो कितने आराम से यहाँ से निकल चुका है। इसको ऑफ रोडिंग करने के लिए ही बनाया गया है, एकदम तगड़े तरीके से चल रहा है। ये मट ट्रक मिट्टी में और बड़े बड़े पत्थरों पे तो बहुत आराम से क्लाइंबिंग कर रहा था, अब देखते हैं क्या ग्लास के ऊपर क्लाइम कर पाएगा या फिर नहीं। ओ तेरी, ये सिक्स व्हील ड्राइव तो नीचे गिर गई यार, ये तो बहुत आराम से चढ़ गया है, जैसे कि ट्रैक्सेस की कार चढ़ा करती थी, क्योंकि इसके व्हील्स भाई साहब एकदम खतरनाक वाले दिए गए, काफी बड़े साइज के व्हील्स है, और इसके ऊपर ग्रिप भी ज्यादा होने के कारण ये हर जगह पर बहुत इजिली क्लाइम कर रहा है। अब देखो यार यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल स्लोप के ऊपर रख दिया है, यहाँ पे रिमोट तक खड़ा नहीं हो पा रहा है। अपनी कार देखो कितने आराम से खड़ी हुई है। एक बार टाइफून आरसी कार भी मैं आपको चला के बता देता हूँ कि ये कार कितनी ज्यादा फास्ट है और कितनी ज्यादा पावरफुल है। ब्रेक्स तो यार बोलने की जरूरत है नहीं, एकदम खतरनाक वाले ब्रेक्स इसके अंदर दिए गए। ये कार रोड पे भी ड्रिफ्ट कर सकती है और ऑफ रोड में भी ड्रिफ्ट कर सकती है। इसकी टॉप स्पीड बहुत ज्यादा दी गई है गाइस, इसको भी चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो अब इसकी ऑफ रोड टेस्टिंग भी करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो जैसे ही यहाँ पे मैं इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सीधा झाड़ी के ऊपर चढ़ रही है, झाड़ी को रौंदती भी नहीं जा रही है आगे, क्योंकि इसके व्हील्स के अंदर ज्यादा ग्रिप नहीं दी गई है, और ये थोड़ी सी हल्की फुल्की कार भी है। अब मैं रेस कराने वाला हूँ ये दोनों ऑफ रोड और आरसी कार के बीच में, देखते हैं इस दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। यहाँ पे सिक्स व्हील ड्राइव आरसी कार पूरी तरीके से आगे निकल चुकी है, अब यहाँ पे हैंडल 4x4 पूरी कोशिश कर रही है इसको ओवरटेक करने के लिए। अब मैंने फुल ट्रिगर प्रेस कर दिया है, फुल ट्रिगर प्रेस करते ही इसका सेकंड गियर शिफ्ट हो जाता है गाइस। यहाँ पे देखो इसने भाई कमाल करके रख दिया, मेरे को लगा था कि ये सिक्स व्हील ड्राइव कार से हार जाएगी, पर इसने तो यार बहुत आराम से जीत लिया है रेस। अब इन दोनों को मैं ऑफ रोड में भी चलाने वाला हूँ, देखते हैं ऑफ रोड में कौन सबसे तगड़े तरीके से चल पाएगा। यहाँ पे भी एटलस मट ट्रक बहुत ज्यादा आगे निकल गया है भाई साहब, ये तो दिखाई नहीं दे रहा इतना ज्यादा आगे निकल गया है, पर अपने सिक्स व्हील ड्राइव कार को देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। फाइनली ये कीचड़ में आके फंस चुका है, पर अपना एटलस मट ट्रक बहुत आराम से कीचड़ में, मिट्टी में, घास में, कहीं भी चला लो गाइस, हर जगह पर एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। देखो कितने आराम से क्लाइंब करके यहाँ से निकल चुका है। अब एटलस मट ट्रक की रेस कराते हैं एल टोरो आरसी कार के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। एल टोरो आरसी कार की स्पीड बहुत ज्यादा है और इसके व्हील्स भी ज्यादा बड़े होने के कारण ये कार कहीं पे भी बहुत आराम से चल सकती है। यहाँ पे भी एटलस मट ट्रक पूरी कोशिश कर रहा है एल टोरो को हराने के लिए, देखो अभी बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहा है एल टोरो को आगे जाने के लिए, एकदम कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है। क्लियरली यहाँ पे भी एटलस मट ट्रक जीत चुका है रेस को। एटलस मट ट्रक की रेस कराते हैं टाइफून आरसी कार के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है, क्योंकि टाइफून आरसी कार की स्पीड बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखो टाइफून आरसी कार पूरी कोशिश कर रही है एटलस मट ट्रक को टेक ओवर करने के लिए, और इसने टेक ओवर कर भी लिया है, और ये बहुत ज्यादा आगे निकल गई है यार। मेरे को नहीं लगता अभी एटलस मट ट्रक इसके पीछे जा पाएगा, क्योंकि गाइस इसकी टॉप स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। फिर भी देखो यार ये ऑफ रोड पे थोड़ा सा दब दब के चल रही है, पर ये जीत चुकी है एटलस मट ट्रक के मुकाबले में। अब होगी एकदम खतरनाक आमने सामने वाली फाइट, देखते हैं टाइफून जीती है या फिर एटलस मट ट्रक जीतता है। एटलस मट ट्रक पूरी तरीके से टाइफून के ऊपर भारी पड़ चुका है, देखो गाइस पूरी पावर लगाकर ये टाइफून को पीछे ढकेल रहा है, और टाइफून
टाइफून भी इसको रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। ओ माय गॉड, मेरे को लगा था कि ये टाइफून को पटक देगा नीचे, पर टाइफून यहाँ से बच के निकल चुकी है। यहाँ पे टाइफून का दिमाग खराब हो चुका है, इसको लग रहा है कि गाइस ऐसे कैसे ये हार चुकी है। अब कराते हैं इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं टग ऑफ वॉर में कौन जीता। इस बार टाइफून पूरी कोशिश कर रही है मट ट्रक को रोकने के लिए, पर मट ट्रक देखो इसको धीरे धीरे करके अपनी तरफ खींच के लेके जा रहा है। यहाँ पे टाइफून आरसीकार इसके अंदर मिट्टी फेंक के इसकी मोटर को जाम करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, पर फिर भी यहाँ पे मट ट्रक नहीं रुक रहा है गाइस। यहाँ पे भी एटलस मट ट्रक बहुत आराम से हरा चुका है टाइफून आरसीकार को। ओके, अब देखते हैं ये एटलस मट ट्रक इतने बड़े एल्टोरो आरसीकार के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं। ओ माय गॉड, बहुत जोर से इसने टक्कर मारी है एल्टोरो आरसीकार को। यहाँ पे एल्टोरो आरसीकार पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने के लिए। ओ भाई, यहाँ पे कोशिश करते करते देखो यार इसने तो इसको घुमा दिया है पूरी तरीके से, इन दोनों के बीच में टाई हो चुका है। अब देखते हैं टगो फोर में कौन जीता है। मेरे को लग रहा है इस बार मट ट्रक को आ चुका है बहुत ज्यादा गुस्सा। देखो यार गुस्से में तो यार इसने एल्टोरो आरसीकार को एक झटके में ही अपने तरफ खींच लिया। क्लियरली वापस यहाँ पे एटलस मट ट्रक जीत चुका है। अब मट ट्रक की फाइट कराते हैं इसके बराबर वाली कार के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। ओह माय गॉड, ये क्या था यार, 6x6 कार ने मट ट्रक को मट के अंदर ही नीचे फेंक दिया है। अब इन दोनों के बीच में कराते हैं टग ऑफ वॉर, मट ट्रक को आ चुका है डबल गुस्सा। देखो यार अब ये 6x6 कार को बहुत ही खतरनाक तरीके से मिट्टी के अंदर से घसीट के निकाल चुका है और इसको एक झाड़ियों के अंदर घसीट के लेके जा रहा है। मेरे को नहीं लगा था गाइस यहाँ पे मट ट्रक जीत पाएगा, पर यहाँ पे भी क्लियरली आप देख सकते हो मट ट्रक ने 6x6 कार को टग ऑफ वॉर में हरा के रख दिया है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये एटलस मट ट्रक कैसा लगा। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है मोहम्मद साकिब, राकेश, तबरेज, बॉबी, अंश यादव, रूपराज, संदीप, हार्दिक, ईश्वर, प्रणवी। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।